हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सुन रहे हो लव इज लाइफ। और आप सुनने वाले हो प्यार या नफरत। प्यार या नफरत के प्रीवियस पार्ट में हम चलो आप लोगों को ले चलते हैं। प्यार या नफरत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जो मिस्टर वर्मा है वो अपनी बेटी से जो है दिशा को मिलाते हैं, लिसा और जूही को। जो लिसा रहती है वो उसकी ओर देखती है और हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे बर्थडे विश कर रही होती है। तो जो ये रहती है वो लड़की, वो सिर्फ लिसा को देख रही थी बहुत ज़्यादा प्यार से, क्योंकि लिसा भाई माशाल्लाह दिख रही थी, इतनी प्यारी जो दिख रही थी। एटीट्यूड भरा लुक था उसका, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी, तो उसे बस कंटिन्यू देखी जा रही थी। तो जो ये रहते हैं मिस्टर वर्मा, वो अपनी बेटी को बोलते हैं, बेटा क्या हुआ? तो जो ये रहते हैं मिस्टर वर्मा की बेटी जो रहती है वो बोलते हैं, कुछ नहीं डैड। तो बोलते हाथ आगे की है लिसा ने, तो मिला लो। तो वो सुनते हैं लिसा, तो बोलते हाँ इसका नाम लिसा है। तो बोलते ओ हाय लिसा। तो बोलते हाय तुम्हारा नाम क्या है? तो जो लड़की रहती है बोलती है मेरा नाम स्वीटी वर्मा। तो बोलते हाय स्वीटी, बहुत प्यारा नाम है आपका, स्वीट सा नाम है। तो स्वीटी जो है स्माइल करने लगती है। तो जो जूही रहती है वो भी बोलते हैं हैप्पी बर्थडे स्वीटी। तो स्वीटी बोलती है थैंक यू। तो बोलती है आप? तो बोलती है मैं लिसा की फ्रेंड हूँ, मेरा नाम जूही है। तो बोलती है हाय, ऐसे बोल के उसके जरा भी हाथ जो है स्वीटी बढ़ाती है। जो स्वीटी रहती है वो लगातार जो है लिसा को देख ही जा रही होती है, लेकिन लिसा जो है उसे तो वो देख ही नहीं रही होती है। उसका ध्यान जो है अपने मोबाइल की तरफ रहता है, वो किसी चीज़ में वो बिजी थी, अपने काम कर रही थी वो। तो जो ये रहती है जूही, वो बोलती है यार तू मोबाइल को छोड़ भी दे, क्या कर रही है? पार्टी में आई है ना, तो इस पार्टी को इंजॉय करना, क्या कर रही है? तो लिसा बोलती यार थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। तो बोलती है तू मेरे को दे मोबाइल, ऐसे बोल के जो जूही रहती है वो लिसा के हाथ से मोबाइल ले लेती है। लिसा जो है अपना मुंह फुला लेती है उसके सामने। तो बोलती है ओ बेबी को गुस्सा आ रहा है? तो लिसा बोलती है यार दे दो ना, इम्पोर्टेंट काम है ना। तो बोलती है प्लीज़, मैंने कहा ना लिसा तुम मेरी बात आजकल नहीं मानती हो। तो जो लिसा रहती बोलती ओ मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, ये कौन बोला? वैसे ज़बरदस्ती मनवाती हो और नहीं मानो तो क्या करती, मुझे पता है, तो मुंह ना खुला। तो बोलती ओ ऐसे बोलती है जो जूही रहती। अच्छा बाबा तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरी डांटने से, अच्छा ठीक है नहीं डांटूंगी अब से। तो लिसा बोलते नहीं यार एक तुम ही तो, और कौन है मेरी लाइफ में? तो जूही जो है बोलती है चुप हो जाओगे मैं हूँ ना। तो लिसा जो है कुछ नहीं बोलती, बस हल्के से स्माइल कर देती है, एक वियर्ड सी स्माइल। तो उसके बाद जो स्वीटी रहती है वो लिसा को बोलती है क्यों क्या हुआ, आपकी फैमिली नहीं है? तो जो जूही रहती है बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लिसा बोलती है यार बोर हो रही हूँ। तो बोलती है क्या बोर, और तू बोरिंग इंसान है तो बोर ही होगी ना। तो लिसा जो है जूही की तरफ घूर के देख रही है। तो जूही बोलती है ओके बाबा सॉरी। तो जो स्वीटी रहती है बोलती है आप बोर क्यों हो रही हो? तो बोलते हैं वेट रुकिए, केक तो अभी कट होने वाला है, डोंट वेरी जल्दी टाइम होगा, तब तक इंजॉय करिए पार्टी। तो बोलती उधर जो है एक म्यूज़िक जो है चलने लगता है जो बहुत प्यारा रहता है, गाने का बोल रहता है मैं जो जी रहा बस तुम हो, ये वाला सॉन्ग जो है वहाँ पे स्टेज पे चलने लगता है। जो ये रहती है स्वीटी रहती है वो कंटिन्यू जो है लिसा को देखी जा रही होती है। लिसा को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वो जो ये किसी की तरफ उसका उतना ध्यान नहीं था, ना ही वो स्वीटी की तरफ देख रही थी ना वो किसी और की तरफ देख रही थी। लेकिन किसी की नज़र जो है स्वीटी की नज़र को बखूबी पहचान रही थी, आराध्या की। आराध्या जो है स्वीटी को देखती है कि वो जो है लिसा को इतना अजीब नज़रों से क्यों देख रही है, उसे अजीब लगता है कि मेरी बॉस को ऐसे क्यों देख रही है। थोड़ा उसे पता नहीं, लेकिन उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था कि ये ऐसे क्यों देख रही है उसे, इसकी हिम्मत तो देखो, ऐसे वो सोचने लगती है। और दूसरी तरफ जो चूही रहती है वो भी समझ जाती है कि स्वीटी किस नज़र से लिसा को देख रही है, लेकिन बेचारी लिसा उसका तो ध्यान उस पर था ही नहीं, तो वो क्या ही करें। तो ज़्यादा
ये नहीं करती, फोर्स नहीं करती ना कुछ बोलती है, वो बस चुपचाप खड़ी रहती है और वो बस इतना सोचती है, यार अच्छी बात है कोई इसको भाव दे रहा है तो अच्छी बात है, लाइफ में आगे बढ़ेगी तो अच्छा ही होगा ना, ऐसे बोल के चुही रहती है। वो भी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ पे एक सोफा रहता है, वहाँ पे बैठ जाती है और अपना ड्रिंक इंजॉय कर रही होती है। लिसा जो है जूही को देखती है कि वो वहाँ पे चुपचाप बैठ के जो है ड्रिंक इंजॉय कर रही है, और उसकी नज़र जो है आराध्या के ऊपर भी पड़ती है। आराध्या वह उसे कंटिन्यू देख रही होती है, वो भी थोड़ा सा गुस्से वाला लुक से। तो लिसा रहती है वो समझ नहीं पाती कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, और उसका ध्यान जो है स्वीटी की तरफ भी जाता है। स्वीटी भी उसे ऐसे ही देख रही होती है, मतलब वो प्यार भरी निगाहों से देख रही होती है, लेकिन जो लिसा रहती है वो इन चीज़ों से बेखबर रहती है, वो समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो भी जाती है और हम बार जो रहता है मिस्टर वर्मा उसके पास चली जाती है, कुछ बात कर रही होती है। तो मिस्टर वर्मा के साथ ये दोनों बात कर रहे होते हैं और जो ये रहती है लीसा वो बोलती है ऐसे पार्टी का जो है व्यवस्था बहुत अच्छा है मिस्टर वर्मा। तो मिस्टर वर्मा बोलते हैं थैंक यू लीसा, तुम्हें पसंद आया। लिसा बोलती है हाँ मिस्टर वर्मा बहुत अच्छे से यहाँ पे डेकोरेशन हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया। तो जो मिस्टर वर्मा रहते हैं वो लिसा के साथ इसी बातों में जो है बिजी रहते हैं, और जो ये रहती है स्वीटी जो है स्टेज पे चढ़ जाती है और बोलती है एवरीवन अटेंशन प्लीज़। तो सभी का ध्यान जो है स्वीटी की तरफ जाता है, और जो स्वीटी के डैड रहते हैं मिस्टर वर्मा वो स्वीटी को बोलते हैं क्या हुआ बेटा। तो जो स्वीटी रहती है बोलती है डैड मैं एक्चुअली एक बात बोलूँ। तो बोलते हैं हाँ बोलो ना मेरी बच्ची को क्या चाहिए अब। तो बोलती है डैड पार्टी जो है फीकी सी लग रही है, बोरिंग सी लग रही है, क्यों ना इसमें थोड़ा सा अच्छा सा तूफानी सा जो है कुछ लगा दे। तो बोलते हैं क्या मतलब। तो बोलती है डैड डांस हो जाए यार। तो बोलते हैं ओके बाबा तो म्यूज़िक प्ले करवाओ और डांस करो, कौन ब्रो आपको रोक रहा है। तो बोलते हैं डैड कपल डांस। तो उसके डैड बोलते हैं अच्छा बच्चा। तो सभी तरफ जो ये रहती है स्वीटी वो बोलती है अटेंशन गाइस क्या आप सभी ग्रुप डांस करने के लिए रेडी हो। तो सभी जो ये रहते हैं मेंबर रहते हैं वो ज़ोर से चिल्लाते हैं हाँ ऑफ कोर्स व्हाई नॉट हम करने के लिए रेडी हैं। तो जो ये रहती है जूही वो बोलती है वाह यार इस बंदी में तो बहुत ज़्यादा जोश है, ऐसे वो मन ही मन बोल रही होती है और ड्रिंक इंजॉय कर रही होती है। तो जो जूही रहती है वो जो है लिसा की तरफ देखती है, लिसा जो है आराध्या की तरफ देख रही होती है। तो जूही समझ नहीं पाती ये ऐसे आराध्या को देख क्यों रही है, तो कुछ नहीं बोलती। और जो स्वीटी रहती है वो जो है गाना स्टार्ट कर देती है, मतलब गाना चलवाती है डीजे से। तो डीजे वाला ये गाना बजाता है तो उस गाने में सभी कपल जो है डांस कर रहे होते हैं। गाने का बोल ऐसा था तुझे अपना बना लूँ तुझे दिल में बसा लूँ साहिबा। इस वाले गाने पे जो है सभी कपल्स अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे होते हैं। जो स्वीटी रहती है वो लिसा की तरफ जाती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कैन यू डांस फॉर मी। तो बोलती है जो लिसा रहती है वो बोलती है सॉरी। तो बोलती है प्लीज़ यार आज मेरा बर्थडे है ना। जो लिसा रहती है वो अपना सर हाँ में हिलाती है, बोलती है ओके ठीक है फाइन चलो ऐसे बोलती है। और जो लिसा रहती है उस स्वीटी के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है उसी के पास एक लड़का आता है, बोलता है हे ब्यूटीफुल लेडी क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। तो आराध्या एक बार ना मिस ना बोलती है सॉरी बोलती है, लेकिन वो बोलता है प्लीज़ यार वैसे यहाँ पे तुम अकेली खड़ी हो उससे अच्छा पार्टी इंजॉय करो मेरे साथ ही सही। तो आराध्या को भी इस बात पे जो है लगता है कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, और वो भी उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलती है ओके ठीक है ऐसे बोल के वो जो है उसके साथ डांस करने चली जाती है। जो लिसा रहती है उसकी नज़र जो है आराध्या के ऊपर पड़ती है कि वो किसी लड़की के साथ डांस कर रही है। तो लिसा को थोड़ा सा बुरा लगता है, उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ जाहिर नहीं करती। और ये जो स्वीटी रहती है वो लिसा को बहुत ज़्यादा जो है उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है, उसे टच करने की कोशिश कर रही होती है। लिसा चुपचाप जो है डांस ही कर रही होती है, उसे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे कुछ भी लेना देना नहीं था।
लेकिन जो आराध्या रहती है वो देखती है कि वो लिसा को किस तरीके से छू रही है, टच कर रही है, तो उसे अजीब लगता है, उसे बहुत बुरा भी लग रहा होता है, उसे बहुत जेलेसी जैसा फील हो रहा होता है। आराध्या मन ही मन सोचने लगती है, यार ये ऐसे मुझे क्या हो रहा है, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, कोई उससे साथ डांस करे, कुछ भी करे, मुझे उससे लेना देना क्या है। ऐसे जो है लिसा के लिए उसके अंदर जो फीलिंग थी वो उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि ये फीलिंग है क्या। मैं तो इसे बस 2-3 दिनों से ही जानती हूँ, ज़्यादा दिन हुए ही नहीं, और मैं इसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। आराध्या ये सब सोच रही होती है, और इधर लिसा जो है वो स्वीटी के साथ डांस कर रही होती है, जो ये स्वीटी और लिसा को देख रही होती है, और जो ही नज़र आराध्या के ऊपर भी पड़ती है। आराध्या जो है कंटिन्यू जो है लिसा को देख रही होती है, तो जूही को थोड़ा शक होता है और बोलती है ये ऐसे लिसा को क्यों देख रही है, वो भी जेलेसी भरी नज़रों से। क्यों ऐसे बोल के जूही जो है सोच में पड़ जाती है और अपना ड्रिंक पी रही होती है, और बोलती है यार कुछ गड़बड़ है। ऐसे जो है जूही सोचने लगती है, तभी जो है सॉन्ग जो है चेंज हो जाता है, ये सॉन्ग बजने लगता है, मैं जो जी रही हूँ वजह तुम हो। ये वाला सॉन्ग जो है फिर से चेंज आ जाता है, सॉरी दोबारा इस सॉन्ग का नाम ली हूँ, सोए वाला सॉन्ग जो है स्टार्ट हो जाता है। और जो ये रहती है स्वीटी, उसे ये सॉन्ग और ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो लिसा के साथ डांस कर रही होती है स्वीटी, तो उसे तो ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, तो उसके साथ और करीब होकर डांस कर रही होती है। लिसा भी उसके साथ डांस कर रही होती है, उसकी नज़र भी आराध्या को ही देख रही होती है। आराध्या जो है उस लड़की के साथ डांस कर रही होती है, इस चीज़ से लिसा को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा होता है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। अपने गुस्से को कंट्रोल लिसा बहुत टाइम तक कर रही होती है। गाना जो है चेंज होते होते मतलब एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है, और उस गाने में एक ये वाला भी जो है बोल आ जाता है, सुना होगा इस सॉन्ग में, क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगी मैं सांसें चुरा के, ऐसा सॉन्ग जो है चलने लगता है। इस टाइम जो है लिसा आराध्या की तरफ जो है गुस्से भरी नज़रों से देख रही होती है, उसे मतलब अजीब नज़रों से, मतलब सोच सकते हो किसी से ज़्यादा नाराज आप हो जाते हो तो उसे आप घूर के देखते हो ना, वैसे वाली नज़रों से जो लिसा रहती है वो आराध्या की तरफ देख रही होती है, और उसके अंदर से जो है गुस्सा उसकी आंखों में झलक रहा होता है। उसके गुस्से की जो ही रहती है ना ज्वाला, उसकी आंखों में बखूबी जना रहा होता है, उसकी आंखें जो है रेड हो जाती है। जूही जो है इस सॉन्ग को सुनती है और बोलती है यार तू तो गई है आराध्या, ऐसे बोल के वो लिसा की तरफ देखती है। लिसा जो है स्वीटी के साथ डांस कर तो रही होती है, लेकिन स्वीटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रहता उसका। तभी वो सोचती है यार अगर मैंने कुछ समय और इसको स्वीटी के साथ डांस करने दिया ना तो ये स्वीटी की बैंड बजा देगी। ऐसे बोल के वो जो है अपनी जगह से उठ जाती है और लिसा के पास चली जाती है। लिसा जो है अपनी डांस की स्पीड जो है तेज कर रही होती है, और स्वीटी जो है इसको तो इंजॉय कर रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो शांति से पहले आने वाले तूफान का जो है संदेशा ला रही होती है। तो जो ये रहती है स्वीटी वो उसके साथ बस डांस इंजॉय कर रही होती है, लेकिन जो जूही रहती है वो जल्दी से आ जाती है लिसा के पास और बोलती है लिसा स्वीटी, तो बोलती है हाँ क्या हुआ स्वीटी जो है ये बोलती है, तो जो जूही रहती है बोलती है एक्चुअली सॉरी मुझे लिसा से एक इम्पॉर्टेंट काम है। तो जूही की बात सुन के जूही रहती है स्वीटी बोलती है यार क्या है डांस करने दो ना अभी तो मज़ा आ रहा था। तो जो जूही रहती है बोलती है प्लीज़ एक इम्पॉर्टेंट काम है यार तुम बाद में कर लेना ना डांस। तो जो स्वीटी रहती है बोलती है ओके ठीक है, ऐसे बोल के जो स्वीटी रहती है वो लिसा से दूर हो जाती है, पर जो जूही रहती है वो लिसा का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ ले आती है, और जो लिसा रहती है वो जूही को बोल रही होती है क्या हुआ तू मुझे ऐसे क्यों बाहर ला रही है। तो जूही से बाहर लाते हुए बोलती है तू क्या कर रही थी वहाँ पे, तो लिसा बोलती है मैं क्या कर रही थी। तो जूही बोलती है यार मुझे सब दिख रहा है और सब समझ में आ रहा है ओके, तू खुद को ऐसे बनाने की कोशिश मत कर, तुझे पता है तू अभी स्वीटी को हर्ट करने वाली थी। तो लिसा बोलती है मैं कहाँ हर्ट की हूँ उसे, मैंने किया है क्या,
जूही बोलती है, लीसा मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो फालतू की ये बातें मत करो। तो लीसा बोलती, यार फाइन ओके, मुझे गुस्सा आ गया था। तो जो जूही रहती है वो बोलती है, क्यों आया था गुस्सा? तो लीसा बोलती, यार क्या करूँ, कुछ बीती हुई बातें याद आ रही थी। तो जूही रहती है बोलती है, हे सुन मेरी बात ध्यान से सुन, तू उसे बदला ले रही है, आई नो मैं समझती हूँ, लेकिन तू अपने बदले के चक्कर में किसी और को हट कर, ये तो गलत बात है ना? तो लीसा बोलती है, सॉरी। तो बोलती है, आइंदा प्लीज़ ध्यान रखना कि तेरे साथ कौन है और कौन नहीं है। तो लीसा बोलती है, हाँ बाबा ओके। ऐसे बोल के ये दोनों जो है अंदर चले जाते हैं। जो आराध्या रहती है वो लीसा को ढूंढ रही होती है कि वो गई तो गई कहाँ, और वो उसे पता नहीं कि अचानक से उसे बेचैनी सी हो रही होती है, उसे डर सा लग रहा होता है, उसे खुद को पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है। और वो लीसा के बारे में सोचते हुए उसे ढूंढ रही होती है, देखती है कि लीसा और जूही सामने से आ रहे हैं। तो उनके पास जो है आराध्या चली जाती है, बोलती है, क्या हुआ मैम, आप दोनों कहाँ गए थे? तो जूही बोलते, एक्चुअली हमें मेरे पास एक कॉल आया था, तो लीसा और हम दोनों बात करने गए थे। वैसे फिर लीसा बोलती है, वो तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हम कहीं भी जाएं। तो आराध्या बोलती है, नहीं बॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं आप लोग के साथ आई थी ना। तो जूही बोलते हैं, ओके ठीक है कोई ना, चलो पार्टी इंजॉय करो। तो आराध्या बोलती है, ओके मैम। ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है इनके साथ अंदर चली जाती है। और जो मिस्टर ब्रह्मा रहते हैं वो बोलते हैं, ये गाइस चलिए केक कट का टाइम हो गया, तो सभी यहाँ पे आ जाइए। तो जितने भी मेंबर रहते हैं वो डांस कर रहे होते हैं, वो सभी जो हैं केक कट के दौरान उस जगह पे सभी लोग आ जाते हैं। और जो स्वीटी रहती है वो केक कट कर रही होती है, कैंडल बुझाते वक्त वो लीसा को देख रही होती है। लीसा उसके अपोजिट सामने, मतलब जस्ट सामने खड़ी थी, तो उसे एक अजीब सी निगाहों से देखते हुए, जैसे हम दूर से देखते हैं ना किसी को तो फ्लाइंग किस करते हैं अपने लिप्स से, वैसे वो पहले एक किस्सा करती है और उस मोमबत्ती को बुझाती है, फूंक मारती है। तो उस जो जूही रहती है उस स्वीटी को देखकर थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलती है, यार ये लड़की पागल हो गई है क्या, ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? और ये मिस लीसा, इसे कुछ खबर ही नहीं है कि कौन उसे किस नज़र से देख रही है और किस नज़र से नहीं। बोले तो एटीट्यूड क्वीन है, गुस्से में नंबर वन है, लेकिन इसको ये समझ नहीं आता है कि कौन किस उसे किस नज़र से देख रहा है। हद है यार, ऐसे बोल रही होती है। और स्वीटी जो है उसकी तरफ देख देख कर जो है केक कट कर रही होती है। जो आराध्या रहती है वो भी उसी की तरफ उसका ध्यान रहता है, वो देख लेती है कि वो किस तरह बिहेव करते करते केक कट कर रही है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो देखती है कि सामने तो लीसा है, तो उसे पक्का पता हो जाता है कि ये लीसा को देखकर ऐसे बिहेव कर रही होती है, उसका गुस्से का जो है लेवल हाई हो रहा होता है। तो जो ये रहते हैं केक कट के, जो स्वीटी रहती है अपने डैड को खिलाती है, और उसके डैड भी जो स्वीटी रहती है उसे खिलाते हैं। तो जो स्वीटी रहती है वहाँ से अपना एक केक जो है कट करके निकालती है, पहले उसे अपने लिप्स में रखती है और उसे खा लेती है हल्का सा, और उसे उसी बचे केक को लाती है लीसा की तरफ। जो लीसा रहती है वो तो किसी की ओर देख रही होती है, मतलब आराध्या की तरफ देख रही होती है, तो उसका ध्यान उसकी तरफ जाता नहीं है। जो स्वीटी रहती है जस्ट उसके सामने आ जाती है और बोलती है, हे लीसा। तो लीसा जो है स्वीटी की तरफ देखती है, बोलती है, हे बर्थडे गर्ल। तो बोलती है, केक। तो लीसा बोलती है, ऐसे बोलती है। और जो स्वीटी रहती है वो केक जो है अपना जूठा केक लीसा को खिला देती है। ये चीज़ देखकर तो आराध्या का जो है गुस्से का लेवल और बढ़ रहा होता है, पता नहीं लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर नहीं पा रही होती है, तो वो जो है लीसा का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर की तरफ ले जाती है। लीसा जो है आराध्या को देखती बोलती है, व्हाट द हेल, तुम मुझे ऐसे कैसे पकड़ सकती हो, डोंट टच मी ओके एंड लीव माई हैंड। ऐसे बोल के वो आराध्या को लगातार बोल रही होती है, लेकिन आराध्या किसी उसकी बिल्कुल नहीं सुन रही होती है, उसे सीधा ले जाती है और बाहर की तरफ उसे सीधा खड़ी करती है। बोलती है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, कोई
आपको किस नज़र से देख रहा है, उसने क्या किया आपको वो भी नहीं दिखा क्या, आपका ध्यान कहाँ था? ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है वो लिसा को बोल रही होती है, लिसा जो है उसे देख रही होती है और बोलते हैं वेट तुम बोलना क्या चाहती हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मुझे ऐसे छू कैसे सकती हो, अब आइंदा ऐसा छूने की या मुझे टच करने की भी कोशिश मत करना आराध्या। तो आराध्या बोलते ओके फाइन सॉरी, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि कौन तुम्हें किस नज़र से देख रहा है। तो आराध्या की बात सुन के लिसा बोलती है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे कोई किस नज़र से देखे किस नज़र से नहीं, और मेरा ऐसे जो है किसी के सामने भी मुझे ऐसे पकड़ा मत करो। तो आराध्या बोलते ओके फाइन सॉरी सॉरी माई फुट, आइंदा ख्याल रखना इस बारे में, और हाँ जो तुमने यहाँ पर बिहेव किया ना इसकी सज़ा तो तुम्हें बखूबी मिलेगी, वो भी कल ऑफिस में। ऐसे बोल के लिसा जो है उसकी तरफ घूर के देखते हुए अंदर की ओर चली जाती है, और आराध्या उधर ही बाहर ही खड़ी रहती है और वो सोचने लगती है यार मैंने इसको ऐसे पकड़ के बाहर क्यों लाया, मुझे हो क्या गया था वहाँ पे, ऐसे वो सोच रही होती है। सो हे एवरीवन, देखते हैं इसके आगे एपिसोड में क्या होगा। अब लिसा के गुस्से से कौन आराध्या को बचाएगा, क्या जो इस बार लिसा को समझा पाएगी संभाल पाएगी इस बार, ये जानना तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। स्टोरी में बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते हैं कि स्टोरी में कौन सा न्यू ट्विस्ट आता है, इसके लिए तो आपको स्टोरी में बने रहना पड़ेगा और मेरी स्टोरी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लगी। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय, अपना ख्याल रखिए और स्टोरी इन्जॉय करिए।